ओके देन टुडे आज हम आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड यूनिट इज योर रिगार्डिंग फोल्ड्स। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर यू नीड टू यू नो जो आपके सिलेबस में भी है यू नीड टू नो द ऑल द डिस्क्रिप्शन यू नो ऑफ अ फोल्ड, ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फोल्ड। तो फोल्ड के बारे में तो हमें पता ही है, स्ट्रेसेस के कारण एनी बेंडिंग और बकलिंग इन द लेयर ऑफ रॉक्स और इन द बेड्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, इट इज नोन एज फोल्ड। कोई भी अब रॉक का होगा, नॉर्मली आप देख लो फोल्ड से, आप पेपर में भी फोल्ड होता है, कपड़ों में फोल्ड पड़ जाता है, रजाइयों में फोल्ड पड़ता है, तो वही है। अब अगर रॉक्स में जो फोल्ड पड़ने लगे तो उसी की स्टडी स्ट्रक्चर जियोलॉजी में हम करते हैं फोल्ड के लिए, ठीक है। तो सामने जो आपके स्लाइड दिख रही है ना, ये ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन बता रही है फोल्ड का। इसमें आप देख रहे हो पूरी लेबलिंग के साथ प्रॉपर फोल्ड, इट हैज अ लिंब, इट हैज अ हिंज पॉइंट, इट हैज एक्सियल ट्रेस, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। अब इसी एक एक टर्म को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब फोल्ड में एक हिंज होता है, हिंज अंग्रेजी में बोलते हैं किसको, कब्जे को, जो दरवाजे में हम देसी भाषा में कब्जा होता है। कब्जा कहाँ फिट होता है, कोने में होता है ना, दरवाजे के एक तरफ से और दीवार के साथ। तो जब दरवाजा खुलता है तो वी शेप में खुलता है ना एक किस्म से, तो वही को आप फोल्ड को भी अप्लाई कर लो जहां पे मैक्सिमम कर्वेचर है फोल्ड का, राइट, मतलब मैक्सिमम कर्व बना हुआ है, दिस इज योर हिंज पॉइंट। अब अगर हिंज पॉइंट को हम ट्रेस करेंगे पूरा पीछे तक, दैट इज योर ब्लू कलर की जो लाइन है दैट इज योर हिंज जोन, ठीक है, हिंज जोन या हिंज लाइन भी आप कह सकते हो। तो उसके बाद आप देख रहे हो कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच है लिंब के। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर, जहां पे फोल्ड का कोई भी कर्वेचर ना हो। आप देख रहे हो यहाँ पे लिंब ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, इट हैज नो कर्वेचर, तो दिस इज अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। हिंज पॉइंट के बाद फिर हम एक्सियल ट्रेस की बात करते हैं, ठीक है, जो हिंज पॉइंट्स को जोड़े उसको एक्सियल ट्रेस कहेंगे। अब इसी एक्सियल ट्रेस को अगर हम पूरा देखो बारों बार, मतलब इसने लिम्स को, मतलब फोल्ड को दो लिम्स में इक्वली डिवाइड करा, इसे हम एक्सियल सरफेस कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आपने एक दूसरी चीज यहां पे देखी होगी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड, ठीक है। वेवलेंथ, अब जो नॉन मेडिकल के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, फिजिक्स में हम वेवलेंथ, टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स और टू सक्सेसिव ट्रफ्स, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी है, टू सक्सेसिव ट्रफ्स, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ है, और देन एम्पलीट्यूड जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब जो जितना ये यहाँ से इसका डिस्टेंस होएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक, उतना उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एक चीज आती है इंटरलिम्ब एंगल, ठीक है, तो जो इस फोल्ड के दो लिम्ब्स हैं वो आपस में जो एंगल बना रहे हैं उसे इंटरलिम्ब एंगल कहते हैं। और फिर सिलेंड्रिकल और नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड भी है, ये बेस करता है बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ हिंज लाइन। आप देख रहे हो नॉन सिलेंड्रिकल में हिंज लाइन थोड़ी सी कर्व्ड सी है एज कंपेयर टू यहाँ पे, हिंज लाइन टोटल स्ट्रेट है ऑन योर राइट। तो ये अब इसमें हम डिटेल हम आगे में पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल और नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड की। फिर उसके बाद एक आता है फोल्ड एक्सिस। फोल्ड एक्सिस मतलब जिस एक्सिस पे वो रॉक की लेयर फोल्ड हुई है, क्योंकि कहीं पे अगर हम देखेंगे हिस्ट्री में कहीं पीछे ये रॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल रहे होगी, है ना, बट नाउ दिस हैज बीन फोल्डेड। अब किसके अलोंग फोल्ड हुई है, जिस एक्सिस के अलोंग हुई है ना उसे फोल्ड एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज योर ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फोल्ड। इसमें जो ये हिंज पॉइंट्स, एक्सियल ट्रेस, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, लिंब, एक्सियल सरफेस, हिंज जोन और एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, इंटरलिंब एंगल, बस ये सब है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन आपकी हो गई फोल्ड की। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहता है हमारा ना वो है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ पूछो। सॉरी टू डिस्टर्ब, बट कुछ स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग है, एक्चुअली वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे उस कारण। नहीं, कर दिया मैंने, एक्सेप्ट कर दिया। 31 पार्टिसिपेंट्स आई कैन सी, 30 स्टूडेंट्स आ ओके गया, मैं कर रहा हूँ साथ साथ में जब मेरे को नजर पड़ती है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे बिजी हो जाता हूँ। ठीक है तो ओके देन फोल्ड की क्लासिफिकेशन की बात करें हम, फोल्ड की क्लासिफिकेशन जो है ना, मतलब पास्ट में अगर हम देखें ना तो हमें विभिन्न किस्म के, विभिन्न प्रकार के फोल्ड्स जो है वो प्रकृति में मिलते हैं।
कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, तो उनको क्लासिफाई करना, एक क्वांटिफाई करना पूरा ना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप उनकी प्रिसाइज कैटेगरीज नहीं बना सकते हो, बट फिर भी कोशिश की गई है लगभग। तो ये वाली हम फोल्ड की जो क्लासिफिकेशन है आपकी सिलेबस में, ए के जैन की बुक है, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो क्लासिफिकेशन थोड़ी सिंपल है और नीटली दी गई है, तो उसी में आज हम लगभग 9 या 10 क्लासिफिकेशन टाइप्स हैं, तो उसमें से 5-6 आज हम करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। तो सो ध्यान से सुनना, नंबर वन इज ऑन बेस्ड ऑन फोल्ड क्लोजर, मतलब फोल्ड का क्लोजर कैसा है, वो बंद कैसे हो रहा है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें एंटी फॉर्म आता है, सिन फॉर्म आता है, ठीक है। एंटी फॉर्म इज द फोल्ड हैविंग डोमेन्स अपवर्ड क्लोजर, फोल्ड डोमेन्स में अपवर्ड क्लोजर है, बंद कैसे हो रहा है, जैसे इट शोज ए पीक, जैसे आप पैराबोला की पीक देखते हो, एक कर्व पैराबोला टाइप, वो वाला जो है शेप अगर फोल्ड का होएगा, दैट इज एंटी फॉर्म, मतलब फोल्ड के डोमेन्स जो है वो अपवर्ड की तरह क्लोजर दिखा रहे हैं, ठीक है। या नेगेटिव कर्वेचर है, जो आपके सामने फिगर नंबर ए और बी दे रखी है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, ये एक वेव की तरह ना दिखा रहा है, तो अपवर्ड क्लोजर है इस फोल्ड के, इस फोल्ड में, सो दैट मीन्स दिस इज एन एंटी फॉर्म। सिमिलरली आपकी सी और डी है, इसमें फोल्ड के डोमेन्स एक डाउनवर्ड का क्लोजर दिखा रहे हैं, या इसको हम पॉजिटिव कर्वेचर भी कहते हैं। तो योर्स फिगर सी एंड डी, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ अ सिन फॉर्म। सिमिलरली आपका जो फिगर नंबर ई है, इट इज न्यूट्रल फोल्ड, क्योंकि ये साइडवेज हो रहा है, इसमें अप और डाउन वाला कोई इशू ही नहीं है, सो दिस इज न्यूट्रल फोल्ड। देन यू हैव वर्टिकल फोल्ड, जिसमें क्या कहते हैं, न्यूट्रल फोल्ड वाले में अगर वर्टिकली डिपिंग सरफेसेस होंगे, जैसे एफ आपके एग्जांपल है, सो देन इट इज अ वर्टिकल फोल्ड। तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड। अब दूसरी वाली ये क्लासिफिकेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी मतलब वी नो, अगर हमें पता है उस एरिया की स्ट्रेटिग्राफी, मतलब स्ट्रेटिग्राफी से मुराद ये है कि हमें यंगिंग डायरेक्शन पता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो आप देख रहे हैं, जो सामने फिगर बनी है ऊपर, इसमें बेड 3-2-1 है, ठीक है, 3-2-1, 1 इज ओल्डेस्ट एंड 3 इज यंगेस्ट। यंगेस्ट मतलब वो रिसेंटली डिपॉजिट हुआ है, 1 इज ओल्डेस्ट, इट वॉज डिपॉजिटेड बिफोर बेड नंबर 3। अब इसमें स्ट्रेटिग्राफी के बेस पे हम एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन कर रहे हैं। पिछले स्लाइड में हमने क्या बोला था, व्हेन वी डिडंट न्यू द स्ट्रेटिग्राफी वी कॉल्ड देम एज एंटी फॉर्म एंड सिन फॉर्म। जब हमें स्ट्रेटिग्राफी का पता है, देन वी हैव एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। एंटीक्लाइन की अब डेफिनेशन क्या है, वी हैव ओल्डेस्ट रॉक्स एक्सपोज्ड इन द कोर ऑफ द फोल्ड व्हाइल द यंगेस्ट रॉक्स अकर ऑन द कन्वेक्स साइड्स। जैसे फिगर नंबर ए में कोर हो गया सेंटर, राइट, सेंटर में है ना बेड नंबर 1, सो वी हैव द ओल्डेस्ट बेड एट द कोर, और यंगेस्ट जो बेड नंबर 3 है, ये हमारी कॉन्वेक्स साइड पे है। कॉन्वेक्स पता है ना, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, जिन्होंने ऑप्टिक्स पढ़ी है, दे नो द लेंसेज जैसे हमारे चश्मे में लगते हैं या कैमरास में होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है। तो ये वाला सरफेस जो है ऊपर, ऊपर का जो ऊपर खाबर जो आपका, या पहाड़ी की जो चोटी की तरह शेप दे रहा है, दिस इज योर कन्वेक्स साइड, और इस पे हमारा, इस साइड पे हमारा बेड नंबर 3 है। बेड नंबर 3 इज आउटर एंड बेड नंबर 1 इज इन द कोर, मतलब जो बेड नंबर ओल्डेस्ट बेड है, इट्स इन द कोर, एंड यंगेस्ट बेड इज एट अकर्स एट द आउटसाइड। सो दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज ऑफ एंटीक्लाइन। सिमिलरली सिंक्लाइन में आप देख लो, बेड नंबर 3 इज इन द कोर, जो कि बी है आपका फिगर, इसी फिगर में बी बी वाला, और बेड नंबर 1 इसके कॉनकेव साइड पे आ गया आप, ठीक है। तो यहाँ पे यंगेस्ट रॉक्स आर फॉर्मड इन द कोर एंड ओल्डेस्ट रॉक्स अकर ऑन द कॉनकेव साइड। ये टेक्स्ट को थोड़ा शायद मेरे को यहाँ पे टाइपो हो गया है, प्लीज इग्नोर इट। दिस इज यंगेस्ट रॉक्स सिंक्लाइन में, यंगेस्ट रॉक्स फाउंड इन द कोर एंड ओल्डेस्ट, यंगेस्ट लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ये ओल्डेस्ट आएगा, दिस इज अ टाइपो, सो प्लीज इग्नोर दिस। तो ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्ट्रेटिग्राफी, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। तो मगर कभी कभी क्या होता है ना, कि जहां पे इंटेंस डिफॉर्मेशन हो, मेटामॉर्फिज्म हो, तो आप जो नीचे वाली फिगर है, मैं चाहता हूँ आपका फोकस इस पे आए, इस वाली पे देखो, ज्योमेट्री और स्ट्रेटिग्राफी के केस में आप फिगर नंबर ए देखो, ठीक है, यहाँ पे हमारा
बेड नंबर ए इट्स इन द को एंड बेड नंबर थ्री इज ऑन द कन्वेक्स साइड. सो ये हमारी इसको है एंटी फॉर्मल एंटीक्लाइन कहेंगे. ठीक है, दिस इज एंटी फॉर्मल एंटीक्लाइन, इसकी शेप है. एंड एंटी फॉर्म जो है एंटी फॉर्मल तरीके से, क्योंकि ओल्डेस्ट बेड इज इन द को. अब ऐसे ही आप बी पे आ जाओ. बी में आप देखो दिख हमें ये क्या रहा है, एंटी फॉर्म की तरह, बट बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी सिंक्लाइन वाली है. क्यों? क्योंकि बेड नंबर थ्री विच इज यंगेस्ट इट्स इन द को. सो दैट्स वाई वी विल कॉल इट एज एंटी फॉर्मल सिंक्लाइन. समझ रहे हो, शेप इसकी एंटी फॉर्म जैसी है इसलिए इसको एंटी फॉर्मल कहेंगे. बट अगर हम इसकी यंगिंग वाला रिलेशनशिप देखें, वी हैव बेड नंबर थ्री विच इज यंगेस्ट, इट लाइज इन द इट्स अकरिंग इन द को ऑफ दिस पर्टिकुलर बी, बी नंबर ऑफ फोल्ड जो बी वाला है. दैट्स वाई वी विल कॉल इट एज एंटी फॉर्मल सिंक्लाइन. अब ऐसा ही आप सी पे आ जाओ. सी में देखो ये प्रॉपर सिंक्लाइन बना है विद बेड नंबर थ्री इन द को, दैट मीन्स यंग इज अगेन इन द को. सो दिस इज सिन फॉर्मल सिंक्लाइन, प्रॉपरली सिंक्लाइन भी है और ठीक तरीके से है. अब डी में आ जाओ, इट्स अगेन इसकी शेप एक सिन फॉर्म जैसी है, बट बेड नंबर वन विच इज ओल्डेस्ट इट्स इन द को, देन दिस विल बिकम सिन फॉर्मल एंटीक्लाइन. तो दिस इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटिग्राफी हमारी जो क्लासिफिकेशन है एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन. बट कभी कभी हमारी सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है जो मैं आपको ये इसी स्लाइड में फिगर नंबर टू है, जहां पे हमारा ज्योमेट्री और स्टेटिग्राफी, तो हम इसको एंटी फॉर्मल एंटीक्लाइन, एंटी फॉर्मल सिंक्लाइन, या फिर सिन फॉर्मल सिंक्लाइन या सिन फॉर्मल एंटीक्लाइन करके भी कैरेक्टराइज करते हैं. ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सर इसमें सर जहां पे आपने सर वो करेक्शन की हुई है ना सर सिंक्लाइन में सर सर इसमें यंगेस्ट सर कोर में आएगा, सिंक्लाइन में हमने यंगेस्ट कोर वाले में करेक्शन करनी है या कंकेव साइड वाले पे यंगेस्ट पे करेक्शन करनी है? कंकेव में आएगा ओल्डेस्ट, यंगेस्ट इज कंकेव में ओल्डेस्ट है ना, सिंक्लाइन है ना. देखो यंगेस्ट बेड नंबर थ्री इट्स इन द को और बाहर वाले की तरफ से इसका जो है ओल्डेस्ट रॉक्स, ओल्डर रॉक्स जो है वो अकर करती है. सो व्हाइल यंगेस्ट, ये मैं इस ये पीपीटीज जो है ये खाली लेक्चर्स के लिए, आपने इसे पढ़ना नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर यू. आपको मैं बुक रेफर कर रहा हूँ, आपको पूरी बुक पढ़नी है. ठीक है, ओके सर. तो नेक्स्ट चलते हैं. हाँ, अभी इसी में क्या होता है ना, एक टर्म्स और बतानी, जैसे हमने ये एंटी फॉर्मल एंटीक्लाइन एक्सेट्रा पढ़ा, वैसे एंटीक्लिनोरियम और सिंक्लिनोरियम होते हैं. एंटीक्लिनोरियम और सिंक्लिनोरियम में क्या है, कुछ नहीं, इसमें आप देख रहे हो मल्टीपल फोल्ड्स हैं. एक एंटीक्लाइन के अंदर भी कितने एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस हैं, वैसे ही एक सिंक्लाइन के अंदर जो आपकी डॉटेड लाइंस है, एनवलपिंग सरफेस है, दिस इज इटसेल्फ अ फोल्ड. इसके अंदर कितने सारे फोल्ड्स हैं माइक्रो स्केल लेवल पे, आप देख रहे हो जेड टाइप फोल्ड, एस फोल्ड, डब्ल्यू फोल्ड, एम फोल्ड, चार किस्म के हमें इसमें मिली है. इसमें कुछ नहीं है, बस शेप है. ये एम की तरह दिखता है, दिस इज एम फोल्ड. ये डब्ल्यू की तरह दिखता है, दिस इज डब्ल्यू फोल्ड. ये एक एस की तरह दिखता है और एक जेड की तरह दिखता है. तो नीचे साथ में इसके एक रियल टाइम पिक्चर है रॉक की, इसमें आप देख लो एस की शेप से हमें मूवमेंट्स पता चलती है. एस की शेप एस टाइप फोल्ड होगा तो मूवमेंट कैसे है, जेड टाइप की फोल्ड में मूवमेंट कैसी है, और एम शेप का तो नॉर्मली आ गए. ये रियल टाइम पिक्चर है रॉक की. ठीक है, अभी एंटीक्लिनोरियम सिंक्लिनोरियम में ये एम फोल्ड एस फोल्ड्स को जो है ना अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आपको जस्ट एन आइडिया. अब बात आती है ओरिएंटेशन की. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ओरिएंटेशन वाला जो है ना, हमें अगर फोल्ड्स को कैरेक्टराइज करना है फील्ड में, उनको उनकी ओरिएंटेशन देखनी है, तो इनकी ओरिएंटेशन जो फोल्ड्स की ना ये डिफाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्राइक और एक्सियल सरफेस का डिप. एक्सियल सरफेस की डिपिंग ट्रेंड और प्लंज किसका, हिंज लाइंस का. एक्सियल सरफेस का डिप ट्रेंड और प्लंज हिंज लाइंस का. राइट साइड में आप फिगर देख रहे हो, हिंज लाइन और एक्सियल सरफेस, इन्हीं की डिपिंग से हमारी दो कैटेगरीज फर्दर बनती हैं. अब अगर जैसे फोल्ड का हिंज है वो प्लंज कर रहा है, प्लंज हो गया झुकना, ठीक है, ऊपर नीचे. अब सामने होते तो मैं आपको दिखा देता, बट प्लंजिंग ये नीचे फिगर में देखो, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा इसके नीचे वाली जो ओरिएंटेशन है. सब हॉरिजॉन्टल आती है सबसे पहले, इसमें आप हिंज चेक कर लो. हिंज आपको पता ना, हिंज है कब्जा कोना, मैक्सिमम कर्वेचर वाला जो एरिया है, दैट इज योर हिंज. फिगर ए में जो बॉटम वाली 3.19, इसमें आप देखो इसका जो हिंज लाइन है, दिस इज समवट सब हॉरिजॉन्टल, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल नहीं, सब हॉरिजॉन्टल है. ठीक है,
फिर बी में आ जाओ, इट्स जेंटली प्लंजिंग। इसमें आप इसका हिंज सरफेस देख लो, प्लंज कर रहा है, ठीक है, एट एन ऑलमोस्ट डिग्री ऑफ 10 से अगर 30 डिग्री होगा तो ऊपर वाली फिगर में उसको हम जेंटली, और नीचे वाली में आप देख रहे हो स्केच दिख कैसा रहा है, ठीक है। फिर आपका आता है मॉडरेटली प्लंजिंग, ठीक है, वो भी बी फिगर में ही, इसमें थोड़ा सा डिग्री का अंतर रहेगा 30 से 60, तो वो मॉडरेटली हो गया, 30 से 10 जेंटल हो गया। फिर आगे आपका अगर 60 डिग्री से ज्यादा है देन इट्स स्टीपली प्लंजिंग, अब और ज्यादा स्टीप हो गया, तो आपका फिगर नंबर सी जो नीचे वाले 3.19 में है वो इसका एग्जाम्पल है। और फिर और 80 डिग्री से और ज्यादा एंगल बन गया तो वो ऑलमोस्ट वर्टिकल आ जाएगा, 80 to 90 डिग्रीज, वी विल कॉल इट एज सब वर्टिकल, जो आपका 3.19 में फिगर डी है। और ऐसे ही फिगर 3.18 में आप देख लो, ये एक थोड़ा सा ग्राफ बना है, लेफ्ट साइड में टॉप एंड बॉटम आपका कैटेगरी है प्लंज ऑफ हिंज लाइन की, सब हॉरिजॉन्टल, जेंटली प्लंजिंग, मॉडरेटली प्लंजिंग, स्टीपली प्लंजिंग, वर्टिकल प्लंजिंग, एंड सी द एंगुलर रिलेशनशिप्स, 0 to 10 degrees is your subhorizontal, 10 to 30 is gently plunging, and 30 to 60 is moderately. If you have more than 60 degrees, then it's steeply plunging. 80 to 90 is almost vertical, which we call it as subvertical. अब axial surface का आप देख लो right side पे, upright, steeply inclined, moderately inclined, gently inclined, and then recumbent. Angles देख लो, recumbent कौन से हो गए, 0 to 10 degrees जिनका axial surface का dip होएगा वो recumbent fold है, 10 से 30 डिग्री होगा वो जेंटली इंक्लाइंड, 30 से 60 हो गया मॉडरेटली इंक्लाइंड, 60 से 80 आ गया स्टीपली, और 80 से 90 आ गया अपराइट, ठीक है ना। अब वही चीज है ये एक्सियल सरफेस की अपराइट, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, 90 टू 80 स्टीपली इंक्लाइंड, 80 टू 60 डिग्रीज मॉडरेट, 60 to 30 डिग्रीज जेंटली इंक्लाइंड, 30 to 10 एंड देन रिकम्बेंट 10 to 0 डिग्रीज, ठीक है। अब रिक्लाइन फोल्ड नीचे आपने देखा होगा, रिक्लाइन फोल्ड का देख लो, अगर फोल्ड हिंज प्लंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ डिप ऑफ एक्सियल प्लेन, वो हमारा रिक्लाइंड फोल्ड आता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ये मैं आपको एक ये वाला दिखाना चाहता था, क्योंकि इसमें हमारा रिकम्बेंट फोल्ड का बनने का तरीका है। लेफ्ट साइड पे आप देखो एक अपराइट फोल्ड है, अपराइट फोल्ड मतलब एक्सियल प्लेन इसका ऑलमोस्ट वर्टिकल है, राइट। अब एक्सियल प्लेन थोड़ा सा डिप हो रहा है, ठीक है, अब थोड़ा स्टीपली डिपिंग फोल्ड आ गया। फिर हमारे पास एक आ जाता है ओवरटर्न फोल्ड, जिसमें हमारी दोनों लिम्ब्स जो है फोल्ड की एक ही डिप के डायरेक्शन में डिप कर रही है, प्लंज कर रही है या ओरिएंटेड है, ये हमारा ओवरटर्न फोल्ड आ गया, ठीक है। फिर आप एक्सियल प्लेन को ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल कर दो, यानी 0 से 10 डिग्री के बीच में रख दो, फिर हमारा बनेगा रिकम्बेंट फोल्ड, समझ रहे हो। ये मैं आपको ये दिखाना कि ऐसे अपराइट फोल्ड जो है वो रिकम्बेंट फोल्ड कहलाएगा, बस अंतर क्या है एक्सियल प्लेन का, इसमें एक्सियल प्लेन वर्टिकल है, देन इट्स थोड़ा थोड़ा सा इंक्लाइन हो के लास्ट पे बिल्कुल ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल आता है, तो उस केस में हम उसको रिकम्बेंट फोल्ड कहेंगे। अपराइट फोल्ड से आ गया हमारे पास रिकम्बेंट फोल्ड, रिलेशनशिप क्या है सिर्फ एक्सियल प्लेन का, एक में लगभग सब वर्टिकल है, दूसरे में 10 डिग्री या 0 डिग्री के बीच में होगा, इतना सही रहेगा। तो अब इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन जो है दूसरी, यह है फोर्थ, बेस्ड ऑन ये भी सिंपल है काफी, फोल्ड की टाइटनेस कितनी है, मतलब इंटरलिम्ब का एंगल जो है, इंटरलिम्ब का एंगल मतलब दो लिम्ब्स के बीच में कितना एंगल है। होमोक्लिनल मींस 180 डिग्रीज, इफ इट्स बिटवीन 180 एंड 120 देन इट इज जेंटल, as you can see in the figure on the right, and if it's between 70 degrees and 120 degrees it's open, if it's between 70 and 30 it's closed, if it's 30 and 10 degrees then it's tight, and if it is 0 to 10 degrees then it is isoclinal, aur agar zigzag hoga to elastic ka, to uske liye ek proper mathematical equation rehti hai, so we won't go into that at this point of time, so सिंपल ही है फोल्ड की टाइटनेस के बेस पे, सिंपल इंटरलिम्ब का एंगल कितने पे है तो उसी के बेस पे सारा है। फिर उसके बाद आती है पांचवी, वो है बेस्ड ऑन सिमेट्री ऑफ फोल्ड्स, ठीक है। अब सिमेट्री की हमने पहले ही बात की, अब कुछ कंडीशंस हैं सिमेट्री के फोल्ड की, एक तो मीडियन प्लेनर सरफेस होना चाहिए, हिंज लाइन प्रोजेक्ट्स मिडवे ऑन द मीडियन सरफेस, मीडियन सरफेस इज योर इन दिस फिगर I, I2, I3, I4, ठीक है, and fold curves are identical between adjacent hinges, ये हमारे symmetry के हिसाब से होना चाहिए। आप figure से भी देख सकते हो, figure A and figure B,
मतलब ये सिमेट्रिकल दिख रहा है, एक साइन वेव का जो है ग्राफ सा, तो एसिमेट्रिकल फोल्ड में थोड़ा सा हमारा ये देख लो आप बराबर नहीं है बीच में, आई वन आई टू इसका डिस्टेंस क्या है, तो उस केस में हमारे एसिमेट्रिकल फोल्ड हो गए। जहां पे मतलब ये तीनों कंडीशंस हमारी मिलती हैं उस केस में हमें सिमेट्रिकल फोल्ड मिलेगा, और वो सिमेट्रिकल फोल्ड चाहे वो एम शेप का होगा या तो डब्ल्यू शेप का होगा। तो जो एसिमेट्रिकल है, जो हम पीछे एंटीक्लिनोरियम सिंक्लिनोरियम में देख रहे थे, एस शेप्ड और जो जेड शेप्ड है वो एसिमेट्रिकल में आएंगे, जिनकी लिम्स छोटी बड़ी है। यहाँ पे आप देखो सिमेट्रिकल फोल्ड में बराबर बराबर लिम्स हैं, राइट, बट एसिमेट्रिकल में लिम्स छोटी और बड़ी हो गई, ठीक है, ये या तो एस शेप में होगा या तो जेड शेप में होगा। इसके साथ में नीचे एक रियल टाइम पिक्चर है एसिमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ये सब जो अभी हमने देखा ये ए के जैन की बुक है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, उससे ही है। तो इसके बाद एक्चुअली चार क्लासिफिकेशंस और हैं, वो हम कल वाली क्लास में देखेंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही है। तो अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है? सुन भी रहे हो कि नहीं?